तो गाइज आप रोम भाई जा रहे हो घर पे, उनके गार्डन सारे मतलब लोकल गार्डन सारे, तो अब निकल रहे और अपना देखते हैं। अपन अपने 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 एलजी आने वाले हैं तो अपन भी निकल जाएंगे चिंचोड़ में भाई के घर पे। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा गाइज सच में हॉस्टल छोड़ने के लिए, ऐसा बुरा लग रहा है। जब थे तब ऐसा लगता कब छोड़ते अपन हॉस्टल, अब छोड़ रहे तो बुरा लग रहा है। और कब आते वो अब तो मैं तो नहीं आऊँगा फिर से यहाँ पे हॉस्टल पे, देखते हैं अब क्या होता आगे। तो तुम्हारा भाई का भी काम हो चुका है सब कुछ, और तुम्हारा भाई भी अब जा रहा है, छोड़ रहा मतलब हॉस्टल छोड़ दिए मैंने पूरी। ठीक है, तो देखते हैं अपन और मनीष भाई अपने को हेल्प करेंगे थोड़ा सामान डालने के लिए। क्यों नहीं भाई, जरूर जरूर। तुम्हारा भाई का बहुत सारा सामान है इधर पड़ा है, देखो ये एक बैग है, ये हो गया सब कुछ। और बहुत मिस करूंगा मैं इस रूम को। ठीक है, और अजय भाई को भी, और पार्टनर है अपना। ठीक है, रूम पार्टनर। और रूम पार्टनर गिरी भाईंचं स्वागत आहे, सहर्ष स्वागत आहे आमच्या विंग मध्ये। गिरी भाईंचं सहर्ष स्वागत आहे। डबल एक दर एक दर थांबा थांबा एक दर नीट 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 घर बनवायला लागते वीट। ओ पाटील सर खावायची बिस्किट, घर बनवायला लागते वीट। ओ पाटील सर खावायची बिस्किट, एकदम सुंदर। पहिलं बिस्किट गिरी भावांना डायरेक्ट, पहिलं बिस्किट चारणार चारणार मला चार गिरी मला आधी चार मला चार पुन्हा चार बोल बोल बरोबर। आता मित्रांनो आपले गिरी भाऊ सिंधुताई सपकाळ यांच्यावर थोडेसे दोन शब्द बोल म्हणजे जास्त बोलणार आहे, तर सर्वांनी मतलब मी बोलतो काय बोलताय ते गिरी भाऊ। हा बोला आदर्श भाऊ बोला की बर बर काय शेरे सिंधुताई सपकाळ थोर समाज सेविका यांचं निधन झालं। त्यांचे लहानपणापासून आई वडील वारले, त्यांना एक आधारवड भेटलं। कसल्याही प्रकारचा राजकीय वारसा नसताना अनाथ मुलांसाठी त्यांचं बलिदान, अनाथ मुलांसाठी पूर्ण जन्म त्यांनी अर्पण केलं। अनाथ मुलांसाठी हजारो लोकांची माय आणि त्यांनी जे हे पुण्य कमवले अर्थातच ते स्वर्गवासिका झाले। मै त्यांच्या या परिश्रमाला त्यांच्या या जीवनात केलेल्या थोर कामाला आपला सलाम, सर्वांचा सलाम आणि या ठिकाणी धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आणि अशा आज एक थोर समाजसेविका या महाराष्ट्राला आणि या देशाला पोरखे झाले। अशा समाजसेविका आपल्या महाराष्ट्रात जन्माला याव्या। तो गाइज मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था ना, तो हम वहाँ पर बहुत मतलब जो लास्ट डे थी, लास्ट नाइट थी हमारे हॉस्टल पे, तो हम बहुत 2-3 बजे तक ऐसा एक एक जन को लिया, एक एक जन को वो सिंधु से सबका जो अपने 2-4 दिन पहले निधन हुआ था उनके बारे में कुछ अपना मन व्यक्त। तो गाइज उनके बारे में 2 शब्द कहने के लिए बोले सब लोगों ने, और बहुत सारे मतलब सबको ऐसे बारी बारी क्वेश्चन पूछे, बहुत सारा मस्ती की। ठीक है, बहुत सारा बहुत किया, तो मतलब ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग का ही शूट किया था। ठीक है, तो आप आगे कर। तो गाइज तुम्हारा भाई जा रहा ना, तो आखिरी चाय गणेश भैया के साथ लेंगे अपन सतगुरु के, और मतलब करेंगे रिक्शा सीधा हॉस्टल पे जाएंगे, फिर अपने चिंदौड़ में भाई के इस पे जाएंगे। ठीक है, और सतगुरु पे जाएंगे, चाय पियेंगे बहुत बढ़िया, और कड़क चाय पियेंगे, चाय पियेंगे आखिरी चाय, फिर हम तो जा रहे हैं हम सब ये लातूर का भाई भी लेंगे, पता नहीं भाई। हाँ लातूर का है, लातूर में रहता है गणेश भाई। तो देखते 15 फरवरी तक कॉलेजेस बंद रहने वाले, मतलब ऑनलाइन है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें भी लॉकडाउन हो सकता है। हो सकता है भाई, जरूर हो गए इस हफ्ते में, हो गए भाई। ठीक है, अगले 2 साल नहीं मिलेंगे भाई। नहीं रे ऐसा मत बोल भाई, जल्दी मिलेंगे अपन, तो आखिरी चाय मारते हैं। ठीक है, ओम भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ओम भाई आज हॉस्टल से जा रहे हैं, एक वैल्यूएबल डे हमके साथ उन्होंने बताई है, लाइक कमेंट शेयर। तो गाइस अपने को दोस्त लोग मतलब हेल्प करने वाले ये सामान रखने के लिए। ठीक है, और आदर्श भाई सब गन्नी भाई सब भाई इधर तो चलते हैं भाई, इधर रोड़ा कलम मिस कर रहे तो जा रहे भाई हम, तो बहुत मिस करूंगा भाई लोग मैं तो।
बहुत मिस करूंगा। तो चलो सब लोग, अरे जा रहे क्या, चलो ना नीचे। तो जा रहे भाई गाइस, हम बहुत लगे थे, ठीक है चलो 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 चलो। तो किधर गए अपनी रिक्शा? तो ये है भाई अपनी रिक्शा, भाई को बोला सीधा चाफेकर चौक में छोड़, तो ये जा रहे। चलो चलो चलो, बाय बाय बाय, चलो 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 चलो। अरे डिक्के नहीं का काका, कई विषय नहीं, चला 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 भाई लोग, चलो बाय 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 सब लोग, चलो 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 भाई, चलो चला चला मामा, चला कई विषय नहीं, तुम्हें थोड़ा चलो आदर्श, हाँ देव टीप देव थोड़स टीप दे, चलो बाय। तो बसल सामान, हाँ बसल सामान बसल, शिकवता बी एम सी सी बा, बी कॉम शिकवता, बी बी ए शिकवता, अजून असे भरपूर कोर्स आहे हो, मस्त एक नंबर कॉलेज आहे आपलं, कोणी असलं ना ओळखीचं तर बी एम सी सी मध्ये टाकून द्या, आणि आपलं युट्यूबवर चॅनल पण आहे बरं, सबस्क्राईब करून घ्या, डी डी आर म्हणून चॅनल आहे। तो गाइस बाय बी एम सी सी, लोग जल्दी मिलेंगे भाई, मिस करेंगे चाट फूड, चाट फूड इसको भी मिस करते हैं। आपको जी तो भाई सारा का सारा सामान इधर भर गया है, तो अपन जा रहे मतलब चिंचोड़ में भाई के पास जा रहे, ठीक है तो वहाँ पर जाके मिलता हूँ मैं सीधा आपको, बीच में कुछ रहा तो थोड़ा सा शूट कर लेंगे, आपको दिखा देंगे, ठीक है तो चलो भाई। तो गाइस कल मैं सीधा वहाँ पर इधर आ गया था भाई के पास चिंचोड़ में, ठीक है तो कल आया मैं, लेकिन आज नेक्स्ट डे और आज शूट कर रहा, ठीक है तो थोड़ा सा मतलब बातचीत चली रात भर, नहीं रात भर नहीं चली, 12-1 बजे तक चली, ठीक है। और मतलब आज का उधर मतलब 12 बजे उठा, 12-1 बजे आराम से, मतलब सुबह के लेक्चर नींद में किए, ठीक है लेकिन किए जरूर तुम्हारे भाई ने। और तो यूनिवर्सिटी में काम था, वो थोड़ा जाके आए, वो टोटल काम हो चुका है भाई का, लेकिन वो सिर्फ कॉल करेंगे तब इसलिए लाने को जाना है, बस उतना ही काम है बस, ठीक है वो एक दो दिन में हो जाएगा, निपट जाएगा वो भी, तो ठीक है। अब ये गार्गी देखो कितनी क्यूट, तो ये देखो भाई की लड़की, शी इज सो क्यूट एंड हर नेम इज गार्गी, गार्गी हाय गार्गी हाय गार्गी। और इस बंदे को आपने पहले ही ब्लॉग में देख चुका है, जो देखो आप लोगों को पता होगा, ठीक है आप लोगों को पता होगा गाइस, अपन मतलब जब एडमिशन के लिए गए थे ना मैं बी एम सी सी में, तो भाई और मैं ही गया था, उस ब्लॉग में भी है भाई, ठीक है भाई का ही थंबनेल है, भाई को सब लड़कियां पूछ रही, ये हैंडसम बंदा कौन है, ये हैंडसम बंदा कौन है, थंबनेल रखा था भाई का, ठीक है। बस गाइस इतना ही, और क्या इस मतलब हॉस्टल रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ भाई रिकॉर्डिंग चालू, तो बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसको अब क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ तो गाइस क्या कह रहा था मैं, जो हॉस्टल का है मैंने तुम्हारे भाई ने सीधा हॉस्टल छोड़ दिया है, मतलब काय को फालतू में 2500 देने के, मतलब हम मंथली 5000 पे कर रहे थे और सर ने बोला 50% ऑफ कर सकते आप सामान इधर रख सकते, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई ने सीधा लीव कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया है। अगर बाद में बोल नहीं सकते ना भाई अपन कि कॉलेज एक्सटेंड, मतलब जो डेट है कॉलेज की एक्सटेंड भी हो सकती है, लॉकडाउन भी लग सकता है, वो लॉकडाउन आगे भी जा सकता है, तो फालतू के काय को पैसे देने के, जो 2500 है वो अपन प्रोटीन में यूज़ कर सकते हैं, अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं चालू है भाई, आप जाएंगे ना घर पे तो अच्छे से डाइट लेंगे, अच्छे से जिम मारेंगे भाई, तुम्हारा भाई फाड़ देगा सबको, आपको सब रिजल्ट आपको बताऊंगा क्या होगा था। तो ठीक है गार्गी, ठीक है ना गार्गी क्या होगा था, तो और क्या होगा भाई तो चालू है का, क्लियर है चालू है का, तो भाई ने वैसा मतलब शोल्डर पे रखा उसको शोल्डर पे खड़ा किया तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, वो सिर्फ भाई लिटरली मतलब 2.5 महीने की है सिर्फ, वो मतलब 2.5 मंथ की है बस, हाँ ठीक है अब वो 3 महीने की होने वाली है, बहुत सी क्यूट, ऐसे मैं फर्स्ट टाइम देखा ना भाई उसको, मेरे को लगा 5-6 महीने की है क्या, इतनी बड़ी कैसे दिख रही है, इतनी क्यूट है और इतनी हेल्दी है ना गाइस, तो क्या बताओ। तो बस ही भाई हॉस्टल छोड़ दे इस ब्लॉग में, बस इतना ही, हॉस्टल छोड़ा वो दोस्तों के साथ लगा था, और ठीक है बस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइक करिए और जरूर कमेंट करिए, तुम्हारा यार तुम कमेंट नहीं करते यार, और इस बंदे को आपने देखा है मतलब जो पहला आपने एडमिशन का ब्लॉग था ना इसमें भाई था, आपने एकदम हैंडसम बॉय एकदम सब पीला इसमें तो चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है चलो बाय बाय, और कमेंट करिए और लाइक भी कर दीजिए, चलो गाइस मिलते हैं, लव फ्रॉम मास्टर, लव फ्रॉम पुणे एंड लव फ्रॉम बीएमसीसी, चलो बाय बाय। तो गाइस हमारा आज का डिनर है, ये देखो हरी सब्जी है मेथी की
और ये डोरिटोज ये सब कुछ है। तो ठीक है, तो अच्छा सा डिनर करते हैं बाद में क्या करते हैं भाई, कल FCC की टेस्ट है, बाद में पढ़ाई करते हैं। बराबर ना भाई, पढ़ाई भी जरूरी है आजकल।